नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही जमीनी विवाद के मामलों में अधिकारियों को तेजी से एक्शन लेने की बात करते हैं और पीड़ितों के पक्ष को तत्काल सुनने की बात करते हैं, लेकिन बलरामपुर में जिले में एक के बाद एक ऐसे जमीनी मामले सामने आते रहते हैं जिसमें अवैध कब्जा, जबरन कब्जा, भूमिफिया और दबंगों द्वारा किया जा रहा है, जबकि अधिकारी हाथ पर हाथ धरे उन्हें बढ़ावा देते नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील व कोतवाली क्षेत्र के महदैया बाजार में सामने आया है, जहां पर दबंगों द्वारा राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 में दायर कोर्ट केस के बावजूद ही करोड़ों की जमीन पर दो बार अवैध कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित लगातार अधिकारियों के चौकट के चक्कर लगाता रहा, लेकिन वे नहीं फंसीजे और अंततः करोड़ों की संपत्ति पर बिना कोर्ट के किसी आदेश के ही कब्जा हो गया। बताया जाता है कि भाई लाल पुत्र गंगाराम महदैया तहसील उतरौला ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत एक बाद आयोजित पर कर आशुतोष प्राप्त करने के लिए उपजिलाधिकारी उतरौला के कोर्ट में प्रार्थना पत्र डाला है। भाई लाल और सिराज अखिलेश वर्मा के बीच में गाटा संख्या 33 और गाटा संख्या 36 जो कि संक्रमणीय भूमि धर के रूप में दर्ज है, इसी जमीन के लिए यह बाद आयोजित है। वहीं भाई लाल ने 19 सितंबर 2024 को दिए अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि विपक्षी सिराज रिंकू उर्फ अखिलेश निवासी ग्राम महदैया दबंग व भूमाफिया किस्म के आदमी हैं और प्रार्थी का दरवाजा व द्वार जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस कब्जे को नहीं रोका गया तो विपक्षी ने जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत मुकदमा दायर कर रखा है, इसका मकसद ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि पत्रावली प्रारंभिक पैमाइश के लिए राजस्व निरीक्षक के पास है, राजस्व निरीक्षक इस बाबत अपनी जांच कर रहे हैं। भाई लाल का आरोप है कि विपक्षी सिराज व रिंकू उर्फ अखिलेश जायसवाल ने दो बार में गोंडा उतरौला हाईवे पर स्थित उनकी लगभग 20 से 25 फीट जमीन को कब्जा कर लिया है। वहां लगातार अधिकारियों के चौखट की चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। भाई लाल गुप्ता ने कहा कि हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमने मुख्यमंत्री से लेकर तहसीलदार तक को प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमे के दौरान ही हमारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, लेकिन कोई अधिकारी और कर्मचारी हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि शनिवार को मौके पर लेखपाल आए थे अखिलेश और सिराज से, जब उन्होंने कहा कि आप काम रोक दीजिए तो उन्होंने निर्माण का काम नहीं रोका। जब लेखपाल ने कहा कि कल आप लोग काम नहीं लगा सकते तो अखिलेश और सिराज ने कहा कि हम लोग काम लगाएंगे, जिसको जो करना है वह कर ले। इस बाबत जब हमने उतरौला के उपजिलाधिकारी अवधेश कुमार से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के बीच में SDM के कोर्ट में एक बात चल रहा है जिसमें आने वाले समय में फैसला होगा। जहां तक रही जबरन कब्जे की बात तो हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार उतरौला और कोतवाल उतरौला को यह आदेश दिया है कि मौके पर जाकर नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो उसे वहां पर सुनिश्चित करें। संवाददाता प्रमोद पांडे की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। क्या मामला है? मामला साहब महदैया जमीन का मामला है। जमीन मुकदमा 40 साल से चला था साहब, और अधिकारी का चौखट दौड़त दौड़त परेशान हो गए और साहब कहूँ सुनवाई नहीं होता है। तमाम दरखास्त डालें, SDM का आ रहे दरखास्त दिहन बलरामपुर दिहन, कहूँ सुनवाई कुछ नहीं होता साहब, और बहुत परेशान हैं, गरीब मनी हैं, वहीं भू माफिया हैं, उनका यह काम है कि लफड़ेल जगह ले लेते हैं, ओकरे बाद में यहाँ पैसा लेके अपन 1 लाख का ले हैं, 10 लाख का बेची हैं, और हम परेशान हैं साहब, हमारी सुनवाई कहूँ नहीं होता है, हमें न्याय चाहिए साहब, बस हम न्याय करते परेशान हैं, हमें न्याय चाहिए। मोहारा हमारा बंद कर ली नहीं, हमारा मोहारा बंद कर ली नहीं, 40 साल होगा घर बने, लेकिन दरवाजा खुला है, पल्ला लाग है, फिर भी हमारा मोहारा बंद कर ली। परसों यहाँ से साहब हम दौड़ी थन, न्याय नहीं मिला, हम गए SDM साहब के लगे, वहाँ आ रहे दरखास्त दिहन, वहूँ नहीं सुनवाई भाई, वहाँ उठे SDM साहब तहसीलदार का उसका दिन, तहसीलदार पूरा दिन नहीं मिले, पूरा दिन बजाय रह गए, फिर आज तहसीलदार कहें कि अरे तहसीलदार जात हैं रुकावे काम, काम नहीं रोके आए साहब, और ओकरे बाद वहाँ बनकर यही मेरे खड़ा होगा कि छत पर नौबत आएगा साहब, काम नहीं रुका साहब कहूँ,
इतना हम परेशान हैं कि साहब कहूँ काम नहीं रुकत है, हम एकदम से परेशान हैं। 3 दिन होगा साहब काम चालू है, अब काम कब नहीं रुका साहब, अभी तक काम नहीं रुका साहब, लेखपाल आए फिर भी काम नहीं रोकी साहब, बहुत परेशान हैं हम, हमार कहूँ सुनवाई नहीं होता साहब, जहाँ तक हो सके तहाँ तक हमारी मदद करो साहब, हम बहुत परेशान हैं। क्या नाम है आपका? भाईलाल गुप्ता। क्या मामला क्या है आपका? मामला भैया हमारे जमीन हमारे घर के बगल हमार है, टाटा संख्या 33 है और संतराम से हमारा 18 साल मुकदमा चला, अब ये मरीगे और जबरदस्ती ये लोग बैनामा करा के हमारी जमीन सब कब्जा की हजे हमारे दरवाजे के सामने PWD में PWD में कब्जा गई थे और हमारा मोहारा बन गया, हमारे बच्चे सब बेवतन हो जाते, शिकायत हम कहूँ बाकी नहीं रखें मुख्यमंत्री के, जनता दरबार दिहन DM खान दिहन तहसील दिवस में आज वही दिहन, कोई काम हमारा कागज सुनने वाला नहीं है। रिपोर्ट क्या लगाएगी? रिपोर्ट DM साहब के लिए उपहार, ये DM साहब रिपोर्ट लगाएंगे आज कि घटना संख्या 33 और 36 का सीमांकन है और भाईलाल आवेदक भाईलाल गुप्ता दायर करें हद्दराली और पैमाइश हो जाएगा तब कुछ होगा, फिर हम दरखास्त दिए और आज कोतवाल साहब के यहाँ और तहसीलदार साहब के यहाँ आदेश किए कि या करके जो है आप लोग जांच कर लीजिए। जब हम कब्जा करने लगे परसों की डेट में तो आप कहाँ गए अपनी देखने के लिए? हम SDM साहब के लिए। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ SDM साहब तहसीलदार साहब का और कोतवाल साहब के यहाँ लेकिन कि आप जांच करके इसको आख्या दें। क्या कब्जा रोका गया? कब्जा नहीं रुका होगा, आईबो नहीं के कोई जांच करे, मार कागज कोई सुनने वाला नहीं कोई ले वाला नहीं, ये DM साहब आर्डर की मकर बात कोई नहीं आवा, आज परसों नरसों से लेकर आज तक छत परे वाला दीवार हो रहा लेकिन कोई हमारे बात सुनने वाला नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, वो लोग दबंग हैं भूमाफिया हैं पैसा वाला हैं और हम कमजोर आदमी 72 साल हमारी उम्र है, मेरे पास दम नहीं है इतना दौड़े धूपे और सारा ये लोग दबंगई कर रहे हैं हमारे साथ और हम बनिया बिरादरी के हैं, हम लोग झगड़ा माल कर नहीं पाते हैं और ये लोग सारा काम हमारे साथ जब जाती कर रहे हैं, हमारी 20-25-35 साल की दीवार पे इन्होंने दीवार उठा लिया है, 35 साल की दीवार हमारी है ऊपर उसके दीवार उठा के और अपना छत डलवाना चाहते हैं, हमारा जमीन सब कब्जा कर मतलब रोकने के लिए भेजी लेखपाल के यहाँ और पुलिस का SDM साहब और आए रोके उनके बाद उनके खड़ा होते हुए भी ये लोग जबरदस्ती बनाना रहे और कहीं कि हम आज भर थोड़े कहे आज रोके जी थे कल। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।